विश्व देखो मधुमय रे जीवन, विश्व देखो मधुमय, मधुर झरण परिवहरण, तु पाप मरण भय रे जीवन, विश्व देख मधुमय। स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर एही महान गीतिरे रहिची विश्ववासींक पई एक महान संदेश। तापर जदि आमे देखिबा बंधुगण, व्हाट इज द लाइफ इज फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। इंग्राजी कवि विलियम हेनरी डेविस उक्तिर मध्य रहिची एही मानव सभ्यता पई एक महान संदेश। व्हाट इज द लाइफ इज फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। प्रकृतरे एही सौंदर्य भरा पृथ्वी को अनुभव करिबा पई वर्तमान एही मनुष्य समाज पाखरे समय रो अभाव रहुची। टिके मात्र समय से पाउ नाही जे एही सौंदर्य भरा पृथ्वी प्रकृति सहित निज को जोड़ी तार सौंदर्य को अनुभव करिबा पई। बंधुगण, वर्तमान ए मानव समाज निज को शक्तिशाली प्रभावशाली धनवान करिबा पछरे से तार स्वार्थ हासिल करिवारे लागिछि, एवं टिके मात्र एही प्रकृति को प्रकृतिर जेऊ पंच महाभूतरु एही जीवजगतर सृष्टि फाइव एलिमेंट्स जहाद्वारा जेऊ मूल पदार्थ द्वारा एही जीवजगतर सृष्टि एही प्रकृतिर सृष्टि ताकु से अणदेखा करुछि, सेई पंच महाभूत बा फाइव एलिमेंट्स हेउछि। आमे जदि देखिबा फाइव एलिमेंट्स बा पंच महाभूत हेउछि एही जल वायु अग्नि पृथ्वी ओ आकाश, ताहेले एही मानव समाज दिनक दिन एही पंच महाभूत को प्रदूषित करिवारे लागिछि। पृथ्वी पृष्ठरे आमे बंची रहुचु, किंतु दिनक दिन पृथ्वी पृष्ठ को प्रदूषित करुचु। एयर वायु पवन बिना आमे बंची परिबा नाही, किंतु दिनक दिन मनुष्य समाज पवन को प्रदूषित करिबारे लागिछि। अग्नि बा आलोक को मध्य दिनक दिन प्रदूषित करिबारे लागिछि। आकाश एही सौंदर्यर आकाश को मनुष्य अनुभव करि न पारि ताकु मध्य प्रदूषित करुछि। जल बिना आमे बंची परिबा नाही, जल ही जीवन, किंतु सेही जल को मनुष्य प्रदूषित करिवारे लागिछि। ताहेले बंधुगण, प्रकृतिर एही अनुपम सौंदर्य को उपभोग करि प्रकृति सहित एही आमको सोले खाप खुआई अंगांग भावे जड़ित होई आमे जीवन धारण करिबा उचित, एवं सेही प्रकृति जपरितार सौंदर्य को अक्षुण्ण रखि पारिबो ता प्रति आमे दृष्टि देबा उचित। ताहेले जाई आगामी दिन रे एही मानव सभ्यता बंची रहिबो, ता नहेले दिनक दिन कोरोना परि नुआ नुआ रोगर सृष्टि हेबो एवं मानव सभ्यता लोप पाइबो, एथिरे तिले मात्र संदेह नाही। ताहेले बंधुगण, भिडियोटी जदि भलो लागिले लाइक करिवे, शेयर करिवे एवं सब्सक्राइब करिवे। धन्यवाद बंधुगण।